प्रेज लॉर्ड हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया, इस आशीषित दिन परमेश्वर ने जो हमें दिया है 2023 अक्टूबर 16 तारीख सोमवार को, कि हम उनकी स्तुति कर सके, आराधना कर सके, हम इसलिए धन्यवाद कहें। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, प्रभु पिछले पूरे दिन भर हमें आपने संभाले रखा। कितने लोगों को इस बात का अच्छा बोध है कि परमेश्वर ने मुझे संभाले रखा। हालेलुया, ऐसे जो लोग विश्वास करते वो अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आपने कल रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आज के दिन आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मैं धन्यवाद। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह में आप जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु आपको महिमा मिले, आप ही को महिमा मिले। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी हम स्तुति करते हैं, आपको ही धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आप अच्छे हैं, भले हैं, आप विश्वास योग्य प्रभु है, आप वचन कभी बदलते नहीं है, आप चंगाई देने वाले प्रभु है, आप हमें जयवंत चलाते हैं, आप हमारे संग हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद आपके प्यार के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महाकरुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। जैसे संगीतकार भजन संहिता 99 में कहते हैं कि यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करुबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे, यहोवा सियोन में महान है, वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है, वे तेरे महान और भययोग्य नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। हालेलुया, आमेन। और पांचवा वचन कहता है, हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। नौवा वचन कहता है, हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। हालेलुया, आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात आपने अद्भुत तरीके से हमें संभाला, सुरक्षित रखा, छीन दी, आरोग्य से हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हमें यीशु मसीह में जय के उत्सव में हमें आप लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम हर एक जन जो ये संदेश सुनते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं और आशीषित करते हैं, जिसे आपका वचन कहता है, दो जन आपके नाम से जब इकट्ठा होते हैं और कुछ भी मांगते हैं तो आप उनकी सुनते हैं। प्रभु हम सब दुनिया भर में एक साथ प्रभु आपके साथ प्रार्थना, आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप पवित्र सभा को अपनी जागृति में बढ़ाए पिता। प्रभु आपका सभा जो है वो दाएं बाएं और बढ़ता जाए। हालेलुया, उसकी तंबू और भी बड़ी होती जाए। प्रभु अद्भुत कार्य बीच में हो इनके। हालेलुया, पवित्र आत्मा की बड़ी प्रवृत्ति हो, पवित्र आत्मा की महिमा उतर आए। हालेलुया, प्रभु ऐसे अद्भुत कार्य आप करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो रोग से पीड़ित है उनको चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। प्रभु आपकी पूर्ण चंगाई इनके शरीर में प्रवर्तित हो, जो हृदय संबंधित रोग से जो पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, फेफड़ों में जो बीमारी है यीशु मसीह के नाम से उसमें चंगाई मिले, हर एक अंदरूनी अंगों में जो भी परेशानी है, जो मरे हुए एक अनुभव से है यीशु मसीह के नाम से उनमें चंगाई मिले, त्वचा के जो बीमार त्वचा में जो बीमारी जो अनुभव करे यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, जो भी बवासीर से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले, हर एक रक्त के बहाव से जो परेशान है यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक के ऊपर चंगाई घोषित करते हैं, हर एक रोग की शक्ति बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, रोग के हर एक शक्ति आज के दिन बाहर निकल जाए। प्रभु आपने अद्भुत कार्य किए, उसके लिए धन्यवाद। जिनको नौकरी नहीं है पिता, आप उनके लिए नए रास्ते खोल दे यीशु मसीह के नाम से, खुल जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों को ऐसा अनुभव है जो काफ़ी बार खटखटाने से भी उनको उस जगह पे नौकरी नहीं मिली, लेकिन आज के दिन यीशु मसीह के नाम से वहाँ पे रास्ते खुल जाए। हालेलुया, आर्थिक विषय में जो भार से है प्रभु आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें। जिनको भवन नहीं है प्रभु आप उनको एक घर बना के आप दे पिता,
आप उनके लिए तैयारी करके दे। हम प्रार्थना करते हैं जो शादी की उम्र से जो बच्चे हैं और जो माँ बाप परेशान हैं उनकी शादी कराने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से नए रास्ते खुल जाए, उनके लिए सही एक आलोचना मिले पिता। प्रभु आप उनके लिए सब कुछ तैयार करके देते, उसके धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी बड़ी प्रवृत्ति हमारे बीच में हो, आपका समाधान हमारे संग रहे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन 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 हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, और याद रखें आज शाम को इंडियन समय 9:30 हमारा मीटिंग रहेगा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो आप ज़रूर उसके भागी बने। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे, मत्ती सुसमाचार 14 और उसका 25 वचन, उसमें लिखा है, और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया। कितनी भी बड़ी लहरें उठे या कितनी भी बड़ी परेशानी आए तो भी उसमें हमें डगमगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर उन सब के ऊपर है। हालेलुया। आज के दिन आपके सामने कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, वो सब परमेश्वर के पैरों तले है। हालेलुया। उसको हमें समझना है, पैर के नीचे है परमेश्वर के। आमेन। अगर हम ये जो 14 है उसके 23 वचन से हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वह हवा सामने ही की थी, और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। आपके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी प्रयास, कोई भी कष्ट हो, आपके सामने कोई भी रोग हो, विश्वास करें परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आप डरे ना। आपकी उस परेशानी के बीच में परमेश्वर आपके जीवन में चल कराकर आपको उसमें से छुटकारा देते हैं। इसलिए आज के दिन कोई भी भार हो, कोई भी प्रयास हो, हाथ उठाकर कहे, इसके ऊपर मैं जीता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आप इसके ऊपर है, इस परेशानी के ऊपर आप है। हालेलुया। मैं आप में आनंदित हूँ क्योंकि आपने मेरे लिए प्रवृत्ति की है, आपने मुझे इसमें छुटकारा दिया है। इसलिए परमेश्वर को ज़रा धन्यवाद कहे, परमेश्वर को धन्यवाद का बलि चढ़ा है। हालेलुया, कि परमेश्वर इस रोग के ऊपर आप है, आपके पैरों के तले, आपके पैरों के नीचे आप उसको दबाते हैं। हालेलुया। इसलिए कोई भी चीज हो, हर चीज के ऊपर परमेश्वर चल के आके आपको उसमें से छुटकारा देने योग्य शक्तिशाली हमारा परमेश्वर है। इसलिए निराशा में रहने की जरूरत नहीं। उस वीजा का जो इश्यू है उसमें से परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। आपके उस कागजात का जो परेशानी है उसके ऊपर है परमेश्वर। हालेलुया। वो जो केस आपके सामने है उसके ऊपर परमेश्वर है। हालेलुया। और आपके लिए प्रवृत्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे संगीतकार कहते हैं भजन संहिता 46 में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, कि हमारा परमेश्वर कौन है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इसलिए हम जिनकी आराधना स्तुति करते हैं वो हमारे हमारे बहुत ही करीब है। हालेलुया। हम हमारे साथ हमें परमेश्वर सहायता करने वाला प्रभु है। इसलिए कष्टों में हो या कोई भी प्रयास में हो, हमसे हमेशा करीब रहने वाला प्रभु है। हमें संकट में हमें परमेश्वर बल देता है, हमें छुटकारा देता है। इसलिए परमेश्वर आपसे कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। अगर हम और भी वचन में देखेंगे तो वचन हमें सिखाता है कि हमें कैसे रहना है, हमें बल के साथ और धैर्य के साथ रहना है। हालेलुया। इसलिए कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रयास आए तो भी डरे ना। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको ना ही कभी टलेगा करके वचन हमें सिखाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, प्रिय माता पिता, हालेलुया, प्रिय बच्चों, डरे ना, आप धैर्य के साथ रहे। परमेश्वर आपके उस परेशानी के ऊपर चल के आके आपको छुड़ाने वाला प्रभु है, जो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, आपके साथ है, आपको सेहत से मिलने वाला सहायक है वो। हालेलुया। इसलिए वो परेशानी को देख के डरे ना, लेकिन परमेश्वर जो आपके साथ है उनसे उनके साथ रहे, उनको धन्यवाद कहे, क्योंकि वो आपका हाथ पकड़ा हुआ है, वो आपको थामा हुआ है, वो आपको छुटकारा देगा।
करेगा। भले डॉक्टर ने आपकी उस परेशानी के ऊपर कह दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर वकील ने भी कह दिया उस परेशानी में आपके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके प्रियजनों ने भी आपको छोड़ दिया है, तो भी आप डरे ना। हालेलुया। इसलिए आज के दिन पूर्ण धैर्य के साथ आप आगे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों से बात करते रहे। पवित्र आत्मा फिर से हमारे कान में कहते हैं कि डरो मत। हालेलुया। उसमें डरे ना, यीशु मसीह आपके संग है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बलवंत करे इस वचनों से। अगर आपके लिए आशीष का कारण बना तो आप दूसरों को भी भेजे, ताकि उनको भी परमेश्वर का जो बल है उनके जीवन में वो अनुभव कर सके। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मेरे साथ कही यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।